बिहार की सियासत इन दिनों काफी गर्माई हुई है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया में अभी से ही राजनीति बयानबाजी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। नीतीश कुमार आज ही दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबरों की माने तो नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर समाधि स्थल सदैव अटल पर जाएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ एस के राजू जुड़ चुके हैं। राजीव, समाधि स्थल पर जाने वाले हैं नीतीश कुमार, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पल्लवी, दरअसल में नीतीश कुमार लगातार आप सुन रही होंगी कि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को न सिर्फ अपना आदर्श मानते हैं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार थी उस समय नीतीश कुमार दो टर्म मंत्री भी रहे थे, एक बार कृषि मंत्री और एक बार रेल मंत्री। तो आज भी जब कभी बात होती है तो नीतीश कुमार अटल जी को याद करते हैं। और आज वो चूंकि आज के दिन ही जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी तो आज वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर के जो समाधि स्थल है वहां पर जाकर के वो अटल जी को याद करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है, दरअसल में नीतीश कुमार बीजेपी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी वह पार्टी के प्रति नहीं थी बल्कि अटल जी के प्रति थी और अटल जी के आदर्शों से अब बीजेपी भटक गई है। और यही वजह है कि दो बार नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा है। क्योंकि आप देखी होंगी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर न सिर्फ हमलावर है बल्कि नरेंद्र मोदी ने भी विधिवत आज से 4 दिन पहले नीतीश कुमार को लेकर के एक नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कई बातें कही थी। तो इन्हीं बातों का जवाब के तौर पर जो है वो नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने को देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार इसके बाद जो एक मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी को करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जो है वो अब अटल जी के जमाने वाली बीजेपी नहीं रही है, लिहाजा उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ने में ही उन्हें अच्छा लगा भला लगा इसलिए वो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।